इंटीग्रेशन का, द इंटीग्रल ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये इसको कैसे कर सकते हैं हम सोल्व। तो देखो इसमें क्या करता हूँ मैं, ये एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक एक्स बचा यहाँ से एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स, क्या किया है यहाँ पर कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है बस, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर जो कोस एक्स जो ऊपर लिखा है एक नीचे लिख दिया, कैंसिल होकर वही क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कोस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है बस। हम इसको यहाँ पर अगर टी पुट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन तो ऊपर है एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है डी अपॉन डी एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स कोस एक्स, राइट। तो ये तो ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जो एक्स अपॉन कोस एक्स है हम उसको पूरी तरह से टी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको टी पुट करते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे यहीं पर इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे बाय पार्ट, ये फर्स्ट ये सेकेंड करो। तो फर्स्ट ऐसा ही एक्स अपॉन कोस एक्स, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का स्क्वायर टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करो x अपॉन कोस x का, क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन, ये आ गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, सेकंड का फिर से इंटीग्रेशन, यानी यही x कोस x अपॉन x साइन x प्लस कोस x का इंटीग्रेशन और फिर इसका पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर ये x अपॉन कोस x ऐसा ही इंटू ये इसका इंटीग्रेशन, नीचे वाले को टी पुट करेंगे यहाँ पर, ये इसको टी पुट करेंगे इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो ये वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा, वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी। तो वन अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी होगा, तो माइनस के वन अपॉन टी, टी की जगह क्या था एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया है मैंने, तो यहाँ पर को टी पुट करके इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया, फिर माइनस टोटल इंटीग्रेशन और देखो तो ये ऐसे ही कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेम इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये बाहर वाला इंटीग्रेशन। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा माइनस एक्स अपॉन कोस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर ये माइनस माइनस प्लस और यहाँ बचा वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स यानी सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो टेन एक्स, ठीक है प्लस सी, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर आ गया वो टेन एक्स माइनस एक्स अपॉन ये कोस एक्स है तो वन अपॉन कोस एक्स को लिख सकते हैं सेक एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस सी, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके